कंप्यूटर टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हमारा रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पार्ट टू। जिसने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ये रहते हैं कि कंप्यूटर कितने मार्क्स का आएगा और वेटर्स क्या रहेगी। तो जैसे कि अब आपको क्लियर है कि न्यू आरएनपी के तहत 70% क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और 30% क्वेश्चंस आपके जीके सेक्शंस के रहेंगे। दोस्तों कंप्यूटर का लेवल क्या रहेगा, जैसे कि आपको क्लियर है कि 8th से लेकर 12th तक का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा और अगर आप 12th पास हैं तब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एमसीक्यूज नोट्स टेस्ट यहाँ पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, यहाँ पर व्हाट्सएप करके ही आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चंस, हर एक नोट्स, हर एक एमसीक्यू, हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों सभी कोर्सेज अंडर अवर प्रोफेशनल्स आपको करवाए जाते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्टेड पर है और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आपके लिए वह सभी स्पेशल टाइम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो लाइक जरूर करें, उनका सहयोग जरूर करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द ओसीआर रिकॉग्नाइजेज द डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस रिलेटेड एनालाइजेस के अंडर आपको तहत आपको तैयार किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली तो बात यह कि ओसीआर होता क्या है, इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों ओसीआर की फुल फॉर्म रहती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ओसीआर रिकॉग्नाइजेज द डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्सेज। ओसीआर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्णों के डैश को पहचानता है, यानी कि वर्ड्स को पहचानता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेप के तहत इसको ये पहचानता है, ठीक है, ऑप्शंस नंबर बी याद रखना है। और ओसीआर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 2019 और 2017 के कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो चाहे मैं यहाँ पर हिमाचल के एग्जाम की बात करूँ या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूँ, क्योंकि एग्जामिनर जरूर फॉलो करता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। दोस्तों इस तरह की फुल फॉर्म अब आपके एग्जाम में पूछी जाने लगी है। अब आपको पूरी एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ बीच का कोई भी वर्ड उठाएंगे और पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर सी स्टैंड फॉर द MICR, तो यहाँ पर सी क्या है, क्या वो कोड है, क्या वो कलर है, कंप्यूटर है या फिर कैरेक्टर है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो है कैरेक्टर। ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए MICR होता क्या है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट की बिल्कुल सत्यता की पहचान करता है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल रियल है या फेक है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। MICR की ज़्यादातर आपके एग्जाम में फुल फॉर्म ही आती है। दोस्तों फेसबुक पेज को लाइक करिए, वहाँ पर MCQ सीरीज चल रही है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, यानी कि अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है, बारकोड उनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डेली क्वेश्चन अपडेट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जब हम प्रिंटर को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब आपको प्रिंटेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रीवियस पेपर चाहे 10 साल पुराने क्वेश्चन या फिर हाईलाइटेड क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन, हम सब कुछ प्रिंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिंटेड एक ऐसा टॉपिक रहेगा जहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपने बताना है हाई क्वालिटी आउटपुट, चलिए जल्दी से बताइए, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर बोथ 1 और 2, जल्दी से सोचिए, आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में आप इसे लगाइए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑन अ माउस इज यूज्ड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन
2019 के सेंट्रल लेवल के एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं। अगर आप HPU जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सेंट्रल लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो अभी हाल ही में हुए हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्क्रोल, ठीक है। द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑन अ माउस इज यूज टू स्क्रॉल, ठीक है। हिंदी में भी आप साथ में रीड कर सकते हैं। PDF आपको किस तरह से मिलेगी, आपको WhatsApp करना है और आपको लिखना है आउटपुट इनपुट पार्ट टू, सिर्फ आपने इतना लिखना है आउटपुट इनपुट पार्ट टू और आपको ये PDF रिलीज कर दी जाएगी। PDF हो सकता है कि थोड़ा सा लेट आपको मिल सकती है, लेकिन ज़रूर मिलती है, थोड़ा सा पेशेंस आप बनाकर रखिए वहाँ पर भी, ठीक है। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके क्या होता है, इनपुट डाटा, स्टोर डाटा, स्कैन डाटा, व्यू और प्रिंट डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम MCQs के थ्रू कवर करने वाले हैं। एक भी लेक्चर्स एक भी MCQs मिस ना हो जाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यू और प्रिंट डाटा, ठीक है। Using output devices one can, इनका उपयोग करके हम view और print data कर सकते हैं, options number D, ठीक है। चलिए next questions यहाँ पर हैं, which of the following is not an example of hardware, very very important question। अगर आपने previous lectures attend किए हैं तो हमने वहाँ पर output और input के कौन कौन से part रहते हैं, example कौन कौन से रहते हैं, वो सब कुछ हमने clear कर लिया है, तो अब आपका ये questions गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, चलिए जल्दी से दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटरप्रेटर, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर एग्जांपल नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर तो क्वेश्चन में हार्डवेयर का पूछा गया था, लेकिन ज़्यादातर आपके एग्जाम में इनपुट आउटपुट से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो वह भी आपको क्लियर होना चाहिए। डिवाइसेज दैट अलाउ यू टू पुट इन्फॉर्मेशन इन टू कंप्यूटर, डिवाइस जो आपको कंप्यूटर में जानकारी डालने की अनुमति देते हैं, क्या वो इनपुट है, आउटपुट है, टाइप है या फिर प्रिंट है, चलिए जल्दी से बताइए। और अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनपुट। डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, वे उपकरण जो कंप्यूटर को आपके साथ संवाद करने देते हैं यानी कि कम्युनिकेट करने देते हैं, ऐसे उपकरण, ऐसे डिवाइसेस, क्या वो इनपुट है, आउटपुट है, टाइप है या फिर प्रिंट है, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी वो है आपके आउटपुट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट को प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एग्जांपल अच्छे से देख लिए हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ अ, कंप्यूटर में पाठ और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका एक डैश के उपयोग के माध्यम से है, क्या वो प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपने सोचना है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीबोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, बाहरी स्रोत से आने वाली सूचनाओं को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है जिसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से सोचना है आपने दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनपुट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं,
इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि हार्डवेयर. द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज हार्डवेयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं. द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइसेस इज द, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइसेस कौन सा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों. इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीबोर्ड. ठीक है, वाइडली है इसलिए यहाँ पर कीबोर्ड रहेगा. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पर यही पूछा गया था द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस. ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे इनपुट डिवाइसेस दी जाती है, कीबोर्ड से ही तो दी जाती है. ठीक है, वाइडली. ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, ये है HPGK की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सअप करिए MCQs नोट्स लेने के लिए. और आपने क्या करना है, फेसबुक पेज को जरूर लाइक करना है. MCQs वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इंस्टाग्राम पोस्टर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे. और MCQs नोट्स आप यहाँ पर व्हाट्सएप प्राप्त करके कर सकते हैं. और PDF आपने किस तरह से लेनी है मैंने आपको वीडियो के बीच में आपको बता दिया है. और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. तो फिलहाल दोस्तों, इसके साथ जय हिंद जय हिमाचल.